चलिए और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाती हूं यूपी के कानपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दिनों में हम लोगों ने प्रदेश में 2,16,000 एक्टिव केस को पूरी तरह रिकवर करते हुए वे लोग अपने घरों को गए हैं। प्रदेश की अगर पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो यह लगभग 2.4 के आसपास है और रिकवरी 93% से अधिक है। एक बृहद अभियान का परिणाम है जिसमें ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट की अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश ने पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया और उसका परिणाम था हम लोग अब तक 4,65,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुके हैं पूरे प्रदेश में। प्रदेश के अंदर निगरानी समिति गांव गांव जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। आरआरटी की टीम 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट कर रही है। पहले ही चरण में मेडिसिन किट का वितरण का कार्य भी संपन्न किया जा रहा है और उसका परिणाम आज सामने आया है। जो आशंकाएं थी उन सभी आशंकाओं को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने निर्मूल साबित किया है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में ऑक्सीजन और कुछ अन्य जीवन रक्षक दवाओं की भी तमाम चैलेंज हम सबके सामने आई थी, लेकिन हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार को कि भारत सरकार ने हमें रेल उपलब्ध कराई और हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति हर एक सिटी के अंदर करवाई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सहयोग लिया। ऑक्सीजन आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर के फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति ना आने पाए कि हमें ट्रेन से या प्लेन से ऑक्सीजन मंगवानी पड़े। हर जनपद को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ है और कानपुर मंडल में 30 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम लोग लगाने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएससीज में। इसमें हमारे माननीय सांसद माननीय विधायकों ने भी योगदान किया है और ये लोग निरंतर इस पूरे अभियान में टीम का हिस्सा बनकर के इस कार्यक्रम में जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। जब पीक पे सेकेंड वेव थी उस लोगों ने उस समय मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया, खासतौर पर कुछ जीवन रक्षक दवाओं का कालाबाजारी करने का प्रयास किया। इस मामले में सरकार ने सख्ती की, कुछ लोगों पर हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी करने के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई भी उन पर की गई है। आगे भी कोई भी कालाबाजारी होगा जो किसी का शोषण करेगा उसके खिलाफ इतनी सख्ती के साथ सरकार निपटेगी और उस पर बहुत सख्ती करेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे तत्वों के संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी सरकार करेगी। हमारी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी तेजी किया है, पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा चुके हैं और आज तो इस वैक्सीन का प्रभाव किस रूप में है याद करिए, जब 16 जनवरी को भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और देश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए इस वैक्सीन को हर नागरिक के लिए आह्वान किया था, पहले चरण में हेल्थ वर्कर को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के लोगों को, चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर की आयु को, अगले चरण में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात की। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस समय वैक्सीन का विरोध करते थे, इसको बीजेपी का वैक्सीन बताते थे, उस समय इसको मोदी जी का वैक्सीन बताते थे। ये वैक्सीन हर नागरिक को निःशुल्क केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है, लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन निःशुल्क मिलना चाहिए क्योंकि ये वैक्सीन तो पहले से ही निःशुल्क दिया जा रहा है, लेकिन उस समय विरोध करते थे, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे की बात करते थे, लेकिन आज वही लोग वकालत कर रहे हैं। ये बदला है स्वर
इन लोगों के दोहरे चरित्र को इस रूप में आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कॉमन सर्विस सेंटर है या शहरी क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर है, दिव्यांगजन या फिर जो भी ऐसे जरूरतमंद हैं, गांव का मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, उनको गांव के बाहर में जाना पड़े। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते, वहां पर उनके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहां पर वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया बना करके और वहां पर उनको वही गांव के पास ही उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमें इस मामले में पर्याप्त सहयोग कर रही है, भरपूर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। ब्लैक फंगस की एक नई समस्या हमारे सामने आई है, हमने आज ही कानपुर को भी इसका एक सेंटर बनाने के लिए कहा है कि कानपुर को पर्याप्त मात्रा में दवा मिले। यहां के जनप्रतिनिधियों ने यह बात अभी मीटिंग में रखी थी, मैंने इसके लिए आदेश किया है। दूसरा, कानपुर का नगर निगम का एक बच्चों का हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से बंद हो गया था। मैंने यहां के मंडलायुक्त को और जिलाधिकारी को नगर निगम के साथ मिलकर के उसको फिर से संचालित करने और उसमें मैन पावर, उसकी मरम्मत, उसके नए मैन पावर और जो भी उपकरण लाने उसको बढ़ाने और उसको एक बच्चों का अच्छा हॉस्पिटल के रूप में फिर से विकसित करने के लिए यहां पर इनको निर्देशित किया है। हमारा प्रयास है कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें और मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100-100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहां पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीपू के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होने चाहिए, इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। 25-30 बेड पीको के पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहा गया है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीएच को भी इसकी तैयारी के लिए अभी से अपनी प्लानिंग आगे बढ़ा करके अगले 15 दिनों के अंदर परिणाम प्रशासन उपलब्ध करवाए। जून में हमारा प्रयास है, जैसे हम लोगों ने 1 मई के बाद फेज वाइज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई तो हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की कि इसी चरण में हम लोगों ने न्यायपालिका और मीडिया को भी प्रदेश के अंदर वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की। खासतौर पर इस समय 2 सेंटर में कार्रवाई प्रारंभ हुई है, एक लखनऊ और नोएडा में मीडिया के लिए और लखनऊ और प्रयागराज में जुडिशरी के लिए, लेकिन हर एक जनपद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। जहां पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे न्यायिक अधिकारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध किया कराया जा सके, इसके लिए हर एक जनपद में स्पेस चिन्हित करना, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन के एरिया को चिन्हित करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना और ऐसे ही मीडिया के लिए भी हर जनपद में अलग से सेंटर बनाने, जहां पे अगर प्रेस क्लब है प्रेस क्लब में स्पेस होगा तो प्रेस क्लब में, नहीं तो किसी एक ऐसे सेंटर में जहां पर हमें स्पेस मिल सके, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन का एरिया मिल सके, वहां पर इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे हम कोरोना के खिलाफ इस अभियान को मजबूती के साथ विजयी की मुद्रा में देश को एक बार फिर से ले जा सके। मेरी आप सबसे अपील है कि सेकेंड वेव पर काफी हद तक नियंत्रण के हम नजदीक हैं, लेकिन अभी भी पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट वेव से ही 25 मार्च से कोई दिन ऐसा नहीं, जिस दिन मैं उत्तर प्रदेश में रहा होगा मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर COVID-19 से जुड़ी हुई बैठक जरूर ली और उस कार्यक्रम को लगातार हम लोग प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बनाते रहे। इसलिए हमने उन सभी आशंकाओं को एक और कर दिया जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोग उसी दिशा में आगे प्रयास करने की बात कर रहे हैं। अभी भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र को हम पालन करें, पब्लिक फंक्शन में भी भीड़ ना होने दें, 25 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों,
एक एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कोरोना कर्फ्यू होगा, लेकिन हम कोरोना के नियमों का और प्रोटोकॉल का पालन करें, इस पर एक कार्रवाई। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कानपुर के अपने जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने यहाँ के प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक समय कानपुर की जो पॉजिटिविटी थी वो 40% तक पहुंच गई थी, आज वह 2 से नीचे आ गई है। यह है कार्य करने का जज्बा। पूरी तरह एक ऐसे दृश्य शत्रु से भिड़े और उसी का परिणाम है कि आज इस मंडल में 40 यानी 30 नए ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं, कानपुर नगर में भी और अन्य जनपदों में भी मिलकर के। इस कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, हम लोगों में जागरूकता पैदा करके एक सकारात्मक माहौल पैदा कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में हम सब मिलकर के कार्य कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।